ओम नमः शिवाय। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये मेरा चैनल जो है सिर्फ एजुकेशन के लिए है, ज्ञान के लिए है। इसका ट्रेड से, आपके लाभ हानि से कोई संबंध नहीं। और कृपया इस चैनल को देख के आप ट्रेड ना करें। यदि ट्रेड करना है तो अपने एडवाइजर से सलाह लें, फाइनेंस एडवाइजर से सलाह लें और फिर ट्रेड करें। आज हमने देखा 24 सितंबर 2024 में जो शेयर मार्केट स्टार्ट हुआ निफ्टी 50 का, हल्का डाउन से स्टार्ट हुआ जैसे कि पहले बताया गया था। नेक्स्ट डे 25 सितंबर 2024 के बारे में, निफ्टी 50 के मार्केट के बारे में बताया जाएगा। उससे पहले जान लेते हैं कि ग्रह दशा क्या है, नक्षत्र क्या है। 25 सितंबर 2025 को आद्रा नक्षत्र पड़ रहा है, द्वितीय चरण है, नक्षत्र स्वामी राहु है। तो ग्रहों की पोजीशन की बात के बारे में चर्चा करें तो तुला लगन की कुंडली बन रही है और लगन में ही शुक्र है, कुंभ राशि में शनि है, मीन राशि में राहु है, वृषभ राशि में गुरु है और चंद्रमा और मंगल मिथुन राशि में है और कन्या राशि में सूर्य, बुध और केतु हैं। ग्रहों की पोजीशन कुछ खास कर इस टाइप से है। और तो सारे चीजों को गणना के आधार पर ये समझ में आ रहा है कि 25 सितंबर 2024 में मार्केट की स्थिति के बारे में जो अनुमान लगाया जा रहा है वो ये समझ में आ रहा है कि मार्केट हल्का सा डाउन से स्टार्ट होगा और मार्केट में ज्यादा उतार चढ़ाव तो नहीं है और काफी कॉम्प्लिकेटेड मार्केट है। और मेरे हिसाब से इस दिन ट्रेड ना करें तो ज्यादा अच्छा है। मेरा ऐसा मानना है कि 25 सितंबर 2024 को ट्रेड ना करें क्योंकि मार्केट उलझा हुआ है और उसको प्रिडिक्ट कर पाना उतना आसान नहीं। तो मेरा ऐसा मानना है कि कल ट्रेड ना करें, लेकिन आपको ट्रेड करना है तो आप अपने फाइनेंस एडवाइजर या किसी की सलाह लेके आप ट्रेड करें। मेरा ऐसा मानना है कि ट्रेड मेरे लिए, मेरी गणना के अनुसार सही नहीं समझ में आ रहा। उसके बाद के मार्केट के बारे में चर्चा करेंगे। और मैं आपको यह भी बता दे रहा हूं कि आने वाले समय में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा मार्केट में। उस समय का इंतजार करते हैं, उस समय की भविष्यवाणी मैं जरूर करूंगा। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।